शिवपुरी जिले के नरवर कस्बे के अंतर्गत आने वाले मगरौनी स्वास्थ्य केंद्र पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां डॉक्टर के समय पर नहीं आने से मरीज परेशान होते दिखाई दिए, जिससे उन्हें उपचार हेतु शिवपुरी जिला अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में उपचार कराना पड़ा। वहीं मरीजों और उनके परिजनों ने डॉक्टर और वहां पर पदस्थ स्टाफ पर पैसे लेकर उपचार करने के आरोप लगाए हैं। मगरौनी के रहने वाली गीता बाई ने बताया कि मगरौनी स्वास्थ्य केंद्र में जब से डॉक्टर मैडम आई है, तब से सभी मरीजों को एक ही प्रकार की दवाई दी जाती है। मरीजों को बिना उपचार के ही रेफर कर दिया जाता है। डॉक्टर कभी कभी आते ही नहीं है, और आते भी हैं तो समय पर नहीं आते हैं। जब इस संबंध में सीएमएचओ पवन जैन से बात की तो उन्होंने कहा बीएमओ से बात करें। नहीं तो मैं एक्चुअली क्या वहाँ लगातार रहा हूँ, 20-25 साल मैंने सेवाएं दी हैं, तो मैं वहाँ 24 घंटे तो मैं खुद ही हूँ, और मैं क्या लगातार 24 आवर सेवाएं देता था। जब से मैं सीबीएमओ बना हूँ तो मैं नर्वस स्वास्थ्य केंद्र में आ गया, तो वहाँ भी नए लोगों की पोस्टिंग हुई है। वहाँ पर डॉक्टर 3 हैं अभी प्रेजेंट में, एक डॉक्टर टीनू दुबे हैं, डॉक्टर माझी हैं और डॉक्टर के दुबे हैं। और डॉक्टर टीनू दुबे टीनू दुबे तो हैं। हाँ, तो वो आज क्या बाहर है, दतिया गई वो अपने एम्प्लॉय कोड लेने। मैंने अभी अभी क्या है, 15 दिन पहले वो उनने क्वार्टर शिफ्ट कर लिया है, क्वार्टर में रहने लगी हैं, और मैं दिखवाता नहीं। मैं तो क्या लगातार 24 आवर्स काम करता था, और इवन हमारे यहाँ ड्रेसर नहीं है, करीब 20 साल थे मगरौनी प्राथमिक स्वास्थ्य में ड्रेसर नहीं है, तो मैं तो कभी जब पेशेंट आता था तो मैं कभी कभी अपने हाथ से भी पट्टी कर देती। नहीं, मैं लगातार व्यवस्था देख रहा हूँ, और उसमें कुछ थोड़ा सा इशू हैं कुछ लोगों के, उनको सॉर्ट आउट कर देंगे वरिष्ठ कार्यालय से मिल। नहीं, ताले तो नहीं लगे होंगे, ताले क्वार्टर के लगे हो सकते। अच्छा, तो मैं दिखा लेता हूँ, मैं देखवा। नहीं, बहुत सही। नहीं, मैं लगातार सेवा दे रहा था, मैं बताता रहा हूँ, मैं लगातार सेवा दे रहा था, उनके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा, मैं देखवा लेता हूँ, अगर ये बात सही है तो अपन उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। रमेश कुशवा, यही बाढ़ क्रमांक 11 में, मगरौनी में स्वास्थ्य केंद्र तो जो मान लो अब तो खत्म है। अच्छा, केवल नाम का रह गया है। कब से? जब से शर्मा जी गए हैं, जब से। पहले तो ठीक ठाक था थोड़ा बहुत, अब तो बिल्कुल सफा खत्म है, कुछ नहीं है। पर्चा बना और रेफर कर दिया। अच्छा, आप जाए चाहे जाओ, कुछ उनका वो नहीं है। दवाई पवाई तो दे रही, नामांतरित यार, वो एक दो गोली बस, कोई खास दवाई भी नहीं है, दवाई भी नहीं है खास। डॉक्टर वगैरह समय पे आते हैं? अरे आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई भी नहीं है। सर्दी गर्मी जा रही है, सब एक ही चल रही है। यहाँ पे डिलीवरी लेके आई है हमारे गाँव से, वर्षा बातम, आज 7 बजे सुबह, मंगरौनी पीएससी पे, ये मंगरौनी पीएससी है। यहाँ पे तो बस सिस्टर थी और कोई नहीं था, नहीं थे। अब जी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी तो 10-20, 10-22 हो गए। अभी मैं ना मैडम को तो देखा नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि अभी मैडम आई नहीं। 9 बजे का नियम रहता है डॉक्टरों का? हाँ, रहता है। पहले भी शर्मा जी बैठे थे तो 9 बजे बैठ जाते। एल डी शर्मा, वो बीओ में 9 बजे बैठ जाते थे। अब वो नरवर में, अब पता नहीं है, मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि मैं 1 महीने के अंदर अभी आई हूँ। अब डॉक्टर साहब बैठे हैं, इधर बैठे हैं, पता नहीं है, नए डॉक्टर साहब आए हैं। मेरा नाम नेपाल सिंह यादव है, दुकान रखे थोड़ी। स्वास्थ्य केंद्र में हालत का है, मरीज आया था, ढंग से इलाज नहीं होता, वो तो दवाई नहीं है। अच्छा, नहीं है तो रिफर कर दिया। डॉक्टर वगैरह आती है, कहीं शर्मा जी थे तब तो ठीक ठाक था, अब तो डॉक्टर को आ गया को नहीं आया, कोई दवाई नहीं है, एक ही दवाई दब बुखार में चल रही है, एक ही भाई एक ही दवाई देते हैं, कोई भी तकलीफ हो जाए भाई दवाई में, भाई बुखार में चल रही है, भाई दर्द में चल रही है, भाई भाई में चल रहा है। कहाँ जाए ऑक्सीजन उठाने के लिए? कहाँ क्लास में मुझे मोड़ी नहीं पढ़ पा रही, क्या मैं 60 साल में हूँ दवाई में, कोई ज्ञान नहीं है। उसको बच्चा भी ले जाते हैं, जच्चा भी आते हैं, कुछ सुनवाई नहीं आती। अभी हमारा मरीज भी आया था, जहर खा लिया। अच्छा, तो बाहर भगा दिए बेचारे, तो सीपी डराए वो। अभी आज 4 दिन से वो शर्मा के ले गए, तो ना शर्मा ने भी देखा है, कोई नहीं थे, जाँच करती हमारी कुछ नहीं। वो तो सब भगाते हैं, पर्चा बना देते हैं, भगा देते, कम्प्लीट काम चल रहा है, रुपये से काम चल रहा है। गरीब आदमी का पैसा नहीं हो तो कहाँ से आएगा? नहीं, कोई समय पर नहीं आती। बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है ना, मैं इतना गरीब आदमी से तो सुनवाई नहीं कब से चल रही है, चलाने लगाई है, गरीब का लगाई है, बिल्कुल गरीब लगाई है ना। अब ना तो पैसा बता दो तो बाकी इलाज हो जाएगा, नहीं है तो भाई चली जाए। पैसे मांग रहे हैं? हाँ, पैसा मांगते हैं। कौन मांगता है? वो पहले शर्मा जी पे रहते, शर्मा जी चले गए जब
कोई सुनवाई ना ना जाना गरीब आदमी नहीं तो मारो भाई गया वो तो समझ नाम नहीं जानते हम उनको डॉक्टर का नई नई डॉक्टर के अंदर नाम के नहीं है हाँ। काम कुछ नहीं हमारे बच्चन की जन्म पत्री नहीं निकाल पा रहे वो भी पैसा में निकाल रहे होंगे 300 रुपया मांग रहे रिश्वत लेके रिश्वत मांगते हैं जन्म पत्री हमारे बच्चन की आधार कार्ड नहीं बन पाए और जय आती है तो शर्मा के जाओ शर्मा जैसे निकल गए अब का खरा बोलो मेरे 3 बच्चे ने कोई भी पढ़ाई उसको आदमी में नहीं बन पेट पा रहे बच्चा आईडी नहीं बन पा रही इनकी जन्म पत्री से आधार कार्ड नहीं बन रहा। मेरा नाम सफीउल्ला खान लापरवाही मेरा बच्चा गिर गया था रात के समय में आया एक दिन यहाँ पे डॉक्टर मिले उन्होंने मना कर दिया पट हो गए करीब 10-15 दिन फिर पट्टी करने से मना किया डॉक्टर बैठे हुए थे सर रात में वैसे तो 10-11 बजे आ जाते हैं 9 बजे से पहले नहीं आते नहीं अपन मगरौनी पे अभी नहीं आते 9 बजे कोई नहीं मिलता पट्टी करने से मना कर दी पट्टी नहीं हो पाएगी रात में अब ये पता नहीं है क्यों नहीं करी इन्होंने जो कोई व्यवस्था नहीं है यार में जाकर पट्टी करवाई बच्चे की सरकारी तो 2 साल का बच्चा जी सर गवर्नमेंट की लापरवाही है। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।